हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही गजब के आइडिया जो कि आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम के आने वाले हैं। तो पूरे की पूरे 7 आइडिया हैं। और गैज, अगर आप लोगों को हमारे ये आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करना। तो ये 7 के 7 आइडिया बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है, उसके नीचे फॉर्म और अस्तर लगा लिया है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है 10.5 x 15.5 इंच की है। और एक तरफ से हमने इस तरीके से जिप को लगा लिया है। अब इसमें हम पीछे से एक और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। और देखिए, दूसरी साइड से भी हमें सिलाई इसमें लगा लेनी है। तो देखिए, एक और सिलाई लगा, तो इस तरीके से मैंने 4 सिलाई लगाकर चैन को अटैच कर लिया है और ऊपर से एक और सिलाई लगा दी, मतलब टोटल 4 सिलाई हो गई हमारी। और देखिए, इसमें हम रनर डाल देंगे और आपको दोनों तरफ से के हिस्से को नाप लेना है। कपड़ा आपका बराबर आना चाहिए और जिधर से आपकी चैन बड़ी हो उधर से ही आपको रनर को पोना है, मतलब चैन को पोना है रनर में और फिर दूसरे हिस्से को डालना है और पुश करते हुए खींच देना है। अब देखिए, चैन को पकड़ेंगे, इसका बीच सेंटर इस तरीके से निकाल के हम कट्स लगा देंगे दोनों साइड में। और जो हमने कट लगाए हैं उसको हम जो चैन वाले पार्ट से मिलाते हुए आलपिन से सेट कर देंगे यहाँ पर फिलहाल के लिए। और इधर से भी हम आलपिन लगा देते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया। एक पट्टी ली है मैंने 10 इंच लंबी और इस तरीके से हम फोल्ड करके इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, सिलाई मैंने लगा ली। अब जो पट्टी ली है हमने उसको हमें यहाँ पर सेट करना है, जो हमने जिप को सेट किया है। और यहाँ पर सेट करते हुए अब हमें दोनों साइड में फिर सिलाई लगा देनी है सिंपल। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है। और अब हमें निशान लगाना है करीब 1.25 इंच का। तो देखिए, 1.25 इंच का मैंने दोनों तरफ से निशान इस तरीके से डिब्बा बना दिए हैं चारों कोनों पर, मतलब कि आगे और पीछे दोनों तरफ आपको लगाने, मतलब 8 कोने हो जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए, 4 इधर हो गए और 4 इधर, तो दोनों साइड में आपको निशान इसी तरीके से सेम तरीके से लगा देना है। और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम कोने को पकड़ेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऑटोमेटिक जब हम निशान लगा देंगे तो। और सिलाई लगाने के बाद में जो हमारे एक्स्ट्रा जो कोने निकले हुए हैं उनको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद में हमारी बहुत ही यूजफुल किट बन के रेडी हो जाएगी। और ये लेडीजों के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, तो आप इसे मेकअप किट की तरह या फिर किसी भी सामान रखने के लिए यूज में ले सकते हो। और गैस, ये वाला आपको टिप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलिए, अगला आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, अगला आइडिया है हमारा मशीन से रिलेटेड। तो देखिए, हम बनाने वाले हैं मशीन का कवर। तो इसकी जो मैंने नीचे से लंबाई है पूरी इस तरीके से नाप ली है 27 इंच की। और पूरा नीचे का जो पट्टा है उसको नाप लिया है 58 इंच का। अब देखिए, लंबाई हमारी जो ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा 27 इंच का है करीब, तो हम इससे करीब 30 इंच का कट कर लेंगे 2-3 इंच बढ़ाते हुए। और देखिए, अब हमें इधर से नापना है, तो हमारी जो पूरा पट्टा वाला हिस्सा है वो हमारा 58 इंच का है, तो हमें उससे उसका आधा हिस्सा हमने इस तरीके से कर लिया और इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया 2 इंच बढ़ाते हुए। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ना उसको आपको खुला छोड़ देना है, छोटा वाला हिस्सा आपको इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ना है। क्योंकि हमने ये साड़ी का कपड़ा लिया है तो अगर हम सिंपल सिलाई लगा देंगे तो बस इसके जो धागे वगैरह वो निकलेंगे, तो इसीलिए आपको फोल्ड करके पकड़ना है इसको। और इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको सिलाई इसमें लगा देनी है। तो हमने सिलाई लगा दी है, अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी लगा देना है। और जो नीचे का हिस्सा है उधर भी हम सिलाई लगा देते हैं। और ये हमारा मशीन कवर बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो मशीन का कवर है केवल और केवल 3 सिलाई से रेडी हो जाएगा। और आपकी पुरानी साड़ी हो, दुपट्टा हो, सूट हो, आप किसी में से भी बना सकते हो। तो ये मैंने पुरानी साड़ी का टुकड़ा पड़ा था मेरे पास वेस्ट, तो ये मैंने उसमें से बनाया है। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली हमारा मशीन का कवर बन के रेडी है। तो आप भी इसी तरीके से मशीन का कवर बना सकते हो। तो चलिए, अगला आइडिया बताते हैं आप लोग को साड़ी से ही रिलेटेड। तो देखिए, ये हमारी फटी हुई साड़ी है और इसकी हमारी जो लेस है वो सही है, तो इसको भी हम यूज करेंगे, अभी बताएंगे आप लोगों को इसका भी यूज। तो चलिए, पहले हम साड़ी का यूज कर लेते हैं। तो साड़ी को हमने ले लिया है, इसकी जो चौड़ाई है हम लेने वाले हैं 27-28 इंच की।
तो देखिए 23 इंच मैंने लिया है सॉरी, और 23 इंच की चौड़ाई लेते हुए मैंने इसको कट कर दिया इस तरीके से। और इसकी जो लंबाई है हम पूरा इंची टेप के बराबर लेने वाले हैं, लेकिन जो वो फटा हुआ कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया पहले, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने पूरा इंची टेप मतलब कि 60-61 इंच आपको ले लेनी है। और इस तरीके से एक और मैंने साड़ी की लेस ली है, ये मेरी दूसरी साड़ी की लेस है। तो देखिए इसकी जो टोटल लंबाई मैंने ली है 40 इंच की ली है, आप 41-42 इंच की मतलब बड़ी ही लेनी है आपको, छोटी नहीं लेनी है। और देखिए आपको करीब यहाँ से इसको लेस को छोड़ते हुए यहाँ से 8 इंच छोड़ते हुए इस कपड़े को यहाँ से रखना है, जो हमने कटिंग किया है जो चौड़ाई ज़्यादा है ना उधर से आपको इसे सिलना है चुन्नट डालते हुए, क्योंकि हमें 8 इंच का ही उधर से छोड़ना है। तो इसकी जो टोटल लंबाई हमें यहाँ पर 25 इंच की देनी है, मतलब 25 इंच में हमारा जो 60 इंच का जो लंबाई का कपड़ा है वो सारा की सारा इसमें लग जाना चाहिए। तो आपको इतनी चुन्नट आपको देनी है, नाप लेना है आपको 25-26 इंच का हिस्सा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा दी, जो बचा हुआ हिस्सा उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब नीचे की साइड में भी मैं एक लेस लगा देती हूँ, नहीं तो आप सिंपल भी लगा सकते हो अगर आप लेस नहीं लगाना चाहो तो। तो देखिए नीचे की साइड में मैंने लेस लगा दी है, और इस तरीके से दूसरी सिलाई भी मैं लगा देती हूँ यहाँ पर। अब फिर आपको दोनों साइड से इसको कपड़े को फोल्ड कर देना है ताकि इसके जो धागे वगैरह हैं वो निकले ना। तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों साइड से सिल दिया है जो ओपन पार्ट था, और इस तरीके से हमने बनाया है सिलेंडर कवर। तो ये सिलेंडर कवर भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, मशीन कवर भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आपके यहाँ मशीन है तो। और देखिए चलिए अब हम इसका भी यूज कर लेते हैं। तो सारे के सारे जो आइडिया है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और देखिए ये जो लेस है वो हम सिंपल साड़ी को हैवी लुक देने वाले हैं इससे। तो ये जो लेस है हमारी बीच में से थोड़ी सी फटी हुई थी तो मैंने वहाँ से जो है सिल दिया उसको। और फिर देखिए इसका इसमें अभी जो है वो ब्लाउज पीस भी लगा हुआ है तो मैं इसको भी निकाल देती हूँ। बहुत पुरानी साड़ी रखी हुई है मेरी मम्मी के ज़माने की, तो इसको मैंने लिया है आज, मैंने सोचा थोड़ा सा इसको अच्छा सा लुक दे दिया जाए। तो ये प्लेन साड़ी है बिल्कुल, देख सकते हो आप हल्का सा जो पुराना वैसे बॉर्डर से चलते हैं ना उसमें वैसा बॉर्डर है इसमें, तो इसमें मैं थोड़ा सा लुक अच्छा सा देने वाली हूँ। तो मैंने इसको नाप लिया है, आप अपनी पुरानी साड़ी से भी नाप सकते हो, वैसे मैंने पहन के देख लिया कि कहाँ से हमें लगाना स्टार्ट करना है। और आप अपनी साड़ी लीजिए और वहाँ से आपको देख लेना है कि कहाँ से हमें कहाँ तक एंड करना है। तो इस तरीके से मैं देखिए साड़ी पर लेस लगा के इसको हम हैवी लुक सा दे देंगे। तो देखिए इसकी जो लेस है ना वो चौड़ाई में है, तो बहुत ही प्यारी सी हमारी साड़ी बन के प्लेन साड़ी हैवी लुक में हो जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से अपनी लेस का यूज कर सकते हो, अपनी सिंपल साड़ी को हैवी लुक दे सकते हो। और जो ब्लाउज पीस है ना उसको भी आप सिल के और कर सकते हो रेडी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें दो सिलाई लगा के और इसको कोने आपको बना लेने हैं, आप कट भी कर सकते हो नहीं तो अंदर की साइड में भी फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने कट कर दिया, कितनी बार यूज करेंगे यार एक ही लेस को, तो इसीलिए मैंने फिर कट ही कर दिया, मैंने कि छोड़ो। तो देखिए इस तरीके से मैंने कोने बना दिए इसके, जो जैसे हमें बनाने थे, जैसे भी आप बनाना चाहो अपने कोने, आपको देख लेना है साड़ी में कैसे बन रहे हैं। और देखिए इस तरीके से हमारी जो लेस है वो लग के रेडी है, हमारी प्लेन साड़ी हैवी बन चुकी है। और देखिए नीचे का जो अंदर का जो हिस्सा होता है उसको भी हमने करपेपी को कर दिया है, सिंपल सिलाई लगा दी है मतलब। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। और जो पल्लू वाला साइड है उस पर तो हमारी लेस आ गई है, तो उस पर तो हमें सिलाई लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो आप देखिए इस तरीके से अपनी साड़ी को हैवी लुक दे सकते हो। और ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगला आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो देखिए मैं आपको दोनों तरह से दिखा रही हूँ, ओपन पल्लू और बंधा हुआ पल्लू। बहुत ही प्यारा सा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये साड़ी फिर बनने के बाद में। अब चलिए अगला आइडिया बताते हैं। तो देखिए हमने लिया है छोटा सा टुकड़ा। तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना 6x4 इंच की है, और इस तरीके से हमने डबल फोल्ड किया है इसको 6 इंच की तरफ से, और इस तरीके से आपको दो साइड से इसको सिल देना है। तो दो साइड सिलने के बाद में एक साइड से हमारा ओपन हिस्सा है, एक साइड से तो पहले ही हमारा बंद था। तो इसी तरीके से हमने इसको चारों साइड से मतलब
सीधा कर लिया, फिर इसको जो ओपन पार्ट था उसको भी हमने सिल दिया। अब देखिए बीच में हमने नॉट लगा दिया अच्छी तरीके से इसमें चुन्नटन डालते हुए। अब हमने लिया है नेट का टुकड़ा, नेट के टुकड़े की देखिए लंबाई चौड़ाई भी आप लोगों को बता देती हूँ। चौड़ाई है इसकी 5 साढ़े 5 इंच की, लंबाई मैं अभी आप लोगों को बता दूंगी। एक हमने लिया है देखिए, इसमें डाल लिया है मैंने मैचिंग का धागा, क्योंकि इसमें वाइट कलर है नेट का तो दिखेगा, फिर हम अगर डिफरेंट डाल देंगे तो। अब आपको देखिए दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें बीच का हिस्सा जो है ओपन छोड़ना है, क्योंकि हम बीच में से ही इसको सीधा करेंगे। तो देखिए बीच का हिस्सा मैंने 1 इंच करीब छोड़ दिया था, वहीं से मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है करीब 17-18 इंच की आप ले सकते हो। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने एक स्टोन लिया है प्यारा सा, और बीच में हमने इसमें भी चुन्नटन लगा दी है, और दोनों चुन्नटों को मतलब दोनों ऊपर वाले हिस्से को और नीचे नेट वाले हिस्से को पकड़ते हुए बीच में आपको अच्छी तरीके से बांध देना है, और बीच में आपको कोई भी प्यारा सा बटन लगा देना है, और ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। आप इससे रबर बैंड बना सकते हो, या फिर हेयर बैंड बना सकते हो, या फिर क्लेचर पे लगा सकते हो, या फिर किसी पे भी लगा सकते हो, या फिर फ्रॉक पे लगा सकते हो। तो मैंने ये पर्सनल फ्रॉक के लिए बनाया है मतलब, तो फ्रॉक पे मैं इसके लगा देती हूँ, और ये मैंने फ्रॉक बनाई थी। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनी है। और देखिए अगला आइडिया हमारा फॉर्म से रिलेटेड। देखिए अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और हमारे यहाँ वेस्ट फॉर्म वगैरह भी पड़ी हुई होती है। अगर आपके यहाँ फॉर्म ना हो तो आप प्लास्टिक पोरी वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, इस पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा ली है इस तरीके से। तो हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे को हम खिलाते पिलाते हैं तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, तो इसको लगाइए गले से और आप आराम से जो खिला सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है और इसको कट कर लिया है। तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई करीब 8x8 की या 9x9 की दे सकते हो, और बीच का जो हिस्सा है वो आपको 1.5-2 इंच का कट कर देना है राउंड शेप में लेते हुए गले की शेप में। इस तरीके से मैंने दोनों साइड में पाइपें लगा दी हैं, और ये हमारी बिफ तैयार हो जाएगी बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारी सी। और बच्चे भी अपने कपड़ों को गंदा नहीं करते हैं अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो। तो देखिए ये भी हमारी वेव तैयार है, और बीच में से हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा निकालते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है, और इसको फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगा देंगे, तो ये भी हमारे रेडी हो जाएगा। और गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा आइडिया आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया, और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए एक और आइडिया आप लोगों को बताते हैं। देखिए हमारी जो मशीन का धागा होता है वो टूट जाता है, तो हमें डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, देखिए कैंची, जब भी आपका धागा टूट जाए कैंची से आपको कट करना है इस तरीके से, और धागे को सिंपल बहुत ही जल्दी डल जाता है इस तरीके से, क्योंकि जब टूटता है ना धागा तो उसके जो रुआ वगैरह निकल आते हैं तो वो हम काट देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।